we are starting the last question. Question number 14, exercise 11.3. Very easy sum this one. काफी easy है. Easy तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा. Find the distance of each of the given point. हमें distance बतानी है इस point की इस वाले किससे plane से. आपको ये जो point है, आप इन्हें मान लीजिए ये x1 और ये y1 और ये z1. तो distance of point x1, y1, z1 from the plane, जो plane होता है वहां से, और plane आपके पास है ax plus by plus cz plus d equal to 0 is, वो distance आपको दी होती है, आपको modulus में निकालनी होती है distance, positive रहेगी आपकी, और यहां पर आप रखेंगे, क्या option रखेंगे, ax1 plus b, आप चाहे कैपिटल लिख लीजिए, a x1 कैपिटल लिख लो, a x1 b y1 plus c z1 plus d अपॉन में मैग्नीट्यूड आपने निकालना है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर. ठीक है, तो आपके पास a कितना है, b कितना है, इसकी आप प्लेन की यहां पर कंपेयर कर लीजिए. डायरेक्शन रेशियो है आपके पास 3 4 और 12, तो यहां पर है आपके पास 3 और 3 की मल्टीप्लाई 0 से, प्लस b कितना है आपके पास माइनस के 4 और उसकी मल्टीप्लाई 0 से, y1 0 है ना आपका, ये रहा y1 0, प्लस c कितना है आपके पास 12 मल्टीप्लाई है 0 से, और d कितना है 3 को उस साइड से इस साइड ले आइए माइनस 3, बात समझे, अपॉन में यहां पर आप इसका स्क्वायर रूट कर लीजिए, a का स्क्वायर रूट 9 प्लस 16 प्लस 144. तो ब्रदर ये फिनिश ये फिनिश ये फिनिश माइनस 3 अपॉन 169 169, और जब आप इसको मॉडुलस से बाहर निकालेंगे 3 अपॉन 13, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द गिवन प्लेन. सेम ऑप्शन हमने यहां पर भी यूज करना है, और मान लीजिए आपके पास ये ऑप्शन होता तो आप यहां पर जहां मैंने 0 लिखा है और वहां पे लिखेंगे 3, बात समझ रहे हैं, x1 y1 और z1 सिर्फ ये पॉइंट बदल गए हैं और कुछ नहीं बदला है. आपके पास जो a था ये a है 2, ये b है और ये c है, यहां पर आपको प्लस 3 रखना है, सेम ऑप्शन है, इसी तरह से आपने ये सॉल्व करना है, इसमें कोई भी अलग वे नहीं है. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए. थैंक यू.